समाज ने हमारे देश को बहुत बड़ी शिक्षा दी। आदिवासी पानी को जितना पवित्र मानता है, आदिवासी समाज में पानी के प्रति जो श्रद्धा भाव है इतना ऊंचा है, क्योंकि मैं तो आपके इलाके में काम करके आया हूं तो मुझे मालूम है, अगर पूरे देश के लोग सिर्फ आदिवासी समाज के संस्कार सीख ले पानी के संबंध में तो भी देश में पानी की समस्या हल हो जाएगी। इतना पवित्रता का भाव आदिवासी समाज में सदियों से संस्कार आदिवासी समाज में, ये हम सबको सीखना है। और विद्यालय में आपको बधाई देता हूं कि आपने इस काम को आगे बढ़ाया, नई पीढ़ी को सिखाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मैंने भारत सरकार में मंत्री भी उस जगह से बनाया गया है, इसके लिए हमारा बहुत बहुत आभार सर आपको, राजस्थान वासियों की तरफ से संपूर्ण आभार। उसको समझाया सर मैंने, और हमारी महिलाओं का श्रम को बचाने के लिए मैंने एसएचजी ग्रुप तैयार किए सर, मेरे ग्राम पंचायत में बेहतर एसएचजी ग्रुप कराया सर, आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैं मेरी ग्राम पंचायत को पूरी तरीके से प्रयासरत हूँ सर। चलिए किशोर जी, आपको आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। मुझे उन सब की बातें सुनकर के एक नई प्रेरणा मिली, नई ऊर्जा मिली और कुछ नए आइडियाज भी मिले। मुझे विश्वास है कि हमारे इन प्रतिनिधियों से आज जो बातें हुई है, जिन जिन लोगों ने सुनी होगी, हर किसी को कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे भी सीखने को मिला है, हमारे अधिकारियों को भी सीखने के लिए। कैच द रेन की शुरुआत के साथ ही केन बेतवा लिंक नहर के लिए भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। आलोचे मन नीर मन उदरा चुस्कड़ा मन अंदर का बाध्यता मन अंदर मीदी नीति पी नीति सरफर गुरी रेडी सप्लै सैड इंकोटी डिमांड सैड रेवे मन आलोचन चाहिए अवसर एक्व अधिकार पनवाई अटे इपड़े एमएलए चुनाव चेक डैम्स कटी सीसीटी तैयार यानी मल्ल मन चला वर्कशॉप प्रोग्राम्स अभी मतलब प्रॉपर का प्रति विलेज मन प्लान चुस्कनी शेल्फ ऑफ वर्क्स तैयार चुस्कनी आ शेल्फ ऑफ वर्क्स प्रकार मन को ये पथकाल द्वारा दाने पूर्ति अमल अवकाश अवी गुर्ति आ पथका पूर्ति सदमें मन चाहिए पन दीं अधिकारी मात्र पूर्ति मन को सर्पंच प्रति पंचायत की सर्पंच पूर्ति बाध्यता వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో చేయవలసిందిగా ఈ సభాంగా జిల్లాలో ఉన్న సర్పంచులు అందరూ కూడా నేను కోరుతున్నాను। జలశక్తి అభియాన్ వారి నీటిని వడిసిపట్టు కార్యక్రమంలో హృదయపూర్వకంగా భాగస్వామిని అవుతాను, ఒక విలువైన వనరుగా।